हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का कन्वर्जन का जो पार्ट चल रहा था उसका सेकेंड पार्ट है। हम देख रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम का अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं, जिसका आज सेकेंड टाइप है। इसके पहले हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख लिया है, आज हम सीखेंगे कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उसका हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इसमें हम डेसिमल के इंटीजर पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को, जिसके इंटीजर पार्ट को हमें डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। तो फर्स्ट हमें क्या देखना है, फर्स्ट हमें देखना जो डेसिमल होते हैं उसका बेस क्या होता है, 10 होता है यानी 0 to 9, और जो हमारे ऑक्टल होते हैं उसका बेस क्या होता है, बेस या रेडिक्स भी बोल सकते हैं, क्या होता है, 8 होता है यानी 0 to 7। जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्टल होते हैं। इसको इसका बेस ऑक्टल का क्या होता है, 8 होता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हम कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 1 to 5, यानी कि 125 दिया गया है, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, यानी कि डेसिमल नंबर है, जो कि इंटीजर है, यानी कि इसमें फ्लोटिंग वैल्यू नहीं यूज हुई है, एक इंटीजर पार्ट है। इसको मुझे कन्वर्जन करना है ऑक्टल में। अब ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सिंपल सा जो भी हमारा बेस होता है उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हुए चले जाते हैं डेसिमल जो हमारा नंबर सिस्टम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डेसिमल जो नंबर सिस्टम है वो क्या दिया गया है, 125 दिया गया है। इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, जो भी बेस है जिसमें हमें कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन ऑक्टल में करना है, तो इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। तो 8 लेंगे और इसके बाद इसे क्या कर देंगे, डिवाइड करते हुए चले जाएंगे और जो भी कैरी आएगी उसे लिखते हुए चले जाएंगे। तो 8 की अगर टेबल हम पढ़ते हैं तो 8 1 8 वन बार जाएगा तो कितना आएगा, हमारा 1 बार ले जाएंगे तो 8 ही 8 आएगा, 8 2 16 हो जाएगा, तो 8 ही 8 वन बार ले जाते हैं। उसके बाद कितना बचता है हमारा, 4 बचता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, 45, क्योंकि 8 4 12 होता है, 45 हो जाएगा, तो 8 5 40 8 6 48 होता है, तो 5 बार जाएगा। इसके बाद क्या बचता है, यानी कि 40 यहाँ से जब माइनस होगा तो 5 बचा, तो जो हमारा 5 बचा हुआ है ये क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी, यानी कैरी कितनी आई हमारी, 5 आई। और ये ध्यान रखना 0 से 7 तक के ही नंबर्स हमें मिलेंगे, उसके आगे के नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा ऑक्टल कन्वर्जन चल रहा है यानी डेसिमल से ऑक्टल में। तो यहाँ पर 5 हमें मिल गई कैरी में। उसके बाद अब हम फिर डिवाइड करेंगे, अभी 8 से ये डिवाइड होगा तो 8 1 8 ही आएगा, क्योंकि 8 2 16 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 8 1 8 आ गया। उसके बाद 8 में से यानी 15 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो हमें कितना आएगा, 2, यानी यहाँ पर 7 कैरी में हमें मिलेगा। 8 7 कितना होता है, 8 7 15 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यानी अब ये 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 5 आया, और जो ये पूर्ण रूप से हमारा क्या हो गया, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे आंसर को लिखना है। इसके लिखने का क्या क्रम होता है, ये होता है बॉटम टू टॉप चलते हैं हम, यानी बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर की तरफ को हम चलते हैं, आंसर नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा इसे, उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, 7 लिखना होगा, उसके बाद क्या लिखना होगा, 5 लिखना होगा। ये क्या हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया। अब हम देखें तो 125 ये डेसिमल में दिया गया था, जिसका कन्वर्जन करने के बाद इसका ऑक्टल क्या आया, 175, ये क्या हो गया, ऑक्टल में इसका कन्वर्जन हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर दे दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि आप उसे ऑक्टल में कन्वर्जन कीजिए, तो सिंपल सा आपको क्या लॉजिक अपनाना है, ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है, उसी के बेस से क्या करना है, डिवाइड करते हुए चले जाना है जब तक कि वो 8 से डिवाइड होता है, और जो भी रिमाइंडर बचता है हमें उसे यहाँ पर कैरी के रूप में साइड में लिखते हुए चले जाना है।
जब पूर्ण रूप से हम डिवाइड कर लेंगे उसे, जब तक वो डिवाइड होगा उसके बाद हमें बॉटम टू टॉप चलना है, यानी कि नीचे से ऊपर की साइड को क्या करना है, हमें नंबर नोट करना है। पहले नीचे वाला नंबर नोट करेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप करते हुए हम नंबर को नोट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा ऑक्टल कन्वर्जन आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने सेम वैसे ही किया और हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्टल कन्वर्जन आ गया। अगर इसकी कंपैरिजन हम बाइनरी वाले से करें, डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन किया था उसमें बाइनरी का बेस 2 था, जिसमें हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था डेसिमल वाले नंबर को, सेम वैसे ही ऑक्टल वाले को 8 से डिवाइड कर दिया है और कुछ नहीं किया है। उसके बाद अगर आपको इस प्रकार से कोई भी नंबर दे दिए जाते हैं डेसिमल में, अगर आपको बोल दिया जाता है ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए, तो आप बड़ी आसानी से उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, जो कि एक इंटीजर पार्ट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन होता है, इसके फ्रैक्शनल पार्ट को हम किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं ऑक्टल में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे पहले कि हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो आप प्लीज इसे करके उसके बाद इसे क्या करना, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। अगर नहीं आता है तो मैं इसे बताऊंगी। ये था, ये मैंने दे दिया है 1250, उसके बाद इसे डेसिमल में दिया है और इसको ऑक्टल में क्या करना है, आपको कन्वर्जन करना है। और जो भी आंसर आता है प्लीज़ उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप दोस्तों ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।